जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी के लिए पुनः आपके शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप एंड शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लेके आया हूँ मोशन चैप्टर का सेकेंड वीडियो। हमारी यह मुख्यतः 6 वीडियो है जिसमें हम 180 टारगेट करके चल रहे हैं फिजिक्स की क्लास में। इसकी 6 वीडियो आपके लिए चल रही है। ये सेशन एनडीए एयरफोर्स नेवी यूपी पुलिस एसएससी नॉन टेक्निकल कोर्स एंड मुख्यतः जेई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की तैयारी करने वाले सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए बहुत अधिक लाभप्रिय होने वाला है। आप लोग क्लास जो ले रहे हैं आपके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया बिल्कुल स्टार्टिंग से किया। इस सेशन में हमने मोशन में एक एक चीज को बारीकता से देखा, जिसमें आपने वीडियो नंबर 5 देखी होगी। आज का ये सेशन में सेशन नंबर 6 में हम देखने वाले हैं एवरेज स्पीड से पॉइंटों को। ठीक है दोस्तों, आइए एवरेज स्पीड से एक एक चीज को समझने वाले हैं। क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड क्या होता है, बारीकता से लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक क्लिप समझाऊंगा, आप थोड़ा समझिएगा कि जिंदगी जिंदगी एक जुआ है। जिंदगी जिंदगी एक जुआ है जो जिसमें जितना गहरा उतरा है उसने इसे उतना ही गहराई से छुआ है। चलिए दोस्तों आइए एवरेज स्पीड। क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी टिकट बुक के लिए जाएं या फिर कोई भी मतलब बस टिकट पे देखें तो उस पर 3 स्पीड लिखी होती है, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम और एक एवरेज। और मिनिमम हमेशा 0 होती है, तो इसीलिए मुख्यतः उनमें 2 लिखी जाती हैं। आइए समझाते हैं कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है जो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहां तक पहुंच गया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस चली वो एक्स डिस्टेंस चली और लगा टाइम वो टी है। तो इसकी अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं एवरेज स्पीड को, आप ऐसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को, आप ऐसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को। ये एवरेज स्पीड लिखने का एक तरीका होता है। आप इन 4 तरीके से एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं। एक लिखने का तरीका हो गया औसत चाल का। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो होती है एस टोटल ओवर टाइम टोटल, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। वेरी इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एवरेज स्पीड होती है। इसके बारे में पूछा जाता है। अगर हम बात करें आपसे कि एवरेज स्पीड जो है ये जो रहती है इसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मिनिमम वेलोसिटी की मिनिमम के बीच, मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में पाई जाती है। एवरेज स्पीड का निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, वो हम सीखेंगे। उससे पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या क्या हो सकती है। एवरेज स्पीड जो आपको मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है उसके और मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी दे रखी है उसके बीच में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी याद रखिए, कभी भी एवरेज स्पीड जो निकालेंगे आप, एवरेज स्पीड का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास अगला पॉइंट पूछा जाए कि एवरेज स्पीड निकालते समय आपको विशेष का ध्यान देना होता है, इसके कई कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आते हैं कि जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो, नियत हो, और एक आता है जब स्पीड बदले और जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो। आपके पास ये 3 स्टेप लिए। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी ही, स्पीड ही एवरेज स्पीड होगी, आपको ये ध्यान रखना है, उसकी स्पीड ही एवरेज स्पीड होगी। और यदि स्पीड बदले, यदि इसकी स्पीड बदली तो ये निकालना सीखेंगे, और यदि खड़ा हुआ है तो उसकी स्पीड एंड एवरेज स्पीड दोनों 0 होंगी।
जैसे कि मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये हमारा पढ़ाया जाएगा आज के सेशन में, ये पढ़ेंगे पूरा। ये छोटी छोटी दो चीजें हैं, इसको भी हमने कवर कर लिया। जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया, गौर फरमाया आप अच्छी तरीके से, गौर से देखिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि यदि कोई कार 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड नियत चाल से गति कर रही है, तो कार की एवरेज स्पीड बताओ। ये क्वेश्चन आया, एवरेज स्पीड ऑफ कार, वेरी इजी। एवरेज स्पीड, अब इसने कहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि जो स्पीड है वही एवरेज स्पीड हो जाएगी। यही मैक्सिमम है और यही मिनिमम है, सब कुछ यही है अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो। इतनी सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आपके लिए कोई भी एग्जांपल पूछा गया कि कोई व्यक्ति स्टैंडेबल है यानी खड़ा है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। खड़ा हुआ व्यक्ति की कोई एवरेज स्पीड नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए। अब आता है आपका अगला पॉइंट कि एवरेज स्पीड को निकालने का दो प्रोसेस होते हैं, एवरेज स्पीड को निकालने के दो प्रोसेस हैं। वेग बदल रहा है, स्पीड बदल रही है, चाल बदले, लेकिन चाल बदले लेकिन एक समानता से बदल रही है। समानता से बदल रही कहने का मतलब है एक्सेलेरेशन जीरो है। यानी कि एग्जांपल दे दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, यहाँ पे स्पीड अलग है और यहाँ पे स्पीड अलग है, तो एक समानता है यहाँ पे, ये वी वन स्पीड है, ये वी टू स्पीड है। और यहाँ पे क्या दे रखा है दूसरे केस में कि चाल बदले स्पीड बदले बेटा, लेकिन अच्छी तरीके से समझो एक एक चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक चीज देखो, अगर आपको कोई दिक्कत हो। तीन चीजें हैं कि जब स्पीड नियत रहे और जब इस खड़ा हो और जब स्पीड बदले, तो स्पीड बदलने के भी दो प्रोसेस होते हैं, वो चीज मैं समझा रहा हूँ। स्पीड बदलने के भी दो प्रोसेस हैं, एक समानता से बदले और एक लगातार बदले, ठीक है। लेकिन लगातार बदले और लगातार बदलने में एक्सेलेशन आता है, इसका मतलब जीरो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट यहां से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यहाँ पे वी वन स्पीड थी, यहाँ वी टू स्पीड हो गई। इस कंडीशन में आपके पास ये दो केस थी, आपके लिए एक एक चीज को बारीकता से समझा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझ के रखिए, ठीक है। यहाँ देखो समानता से बदलेगा, तो यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड निकालने की बात आएगी तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू कर दीजिएगा, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आपको इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि एक कार मीटर पर सेकेंड से चलना प्रारंभ करती है, जो कुछ टाइम बाद अपनी चाल को 12 मीटर पर सेकेंड कर लेती है। तो कार की एवरेज स्पीड बताओ, तो सिंपल सा बंदा है, यहां से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड पूछी है, तो 5 प्लस 12 बटे 2, 17/2, 8.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आता है इसका, गौर
गौर से देखो कि जब आपके पास इस तरीके से बदल रही है तो आप इसे कैसे करेंगे, एक समानता से बदले तो इसके केस आते हैं तीन, इसके तीन केस होते हैं। गौर से समझिए, अगर हम ट्रिक सीखें इसकी तो ट्रिक के तीन केस होते हैं कि जब एक पहला केस होता है, समझिएगा आराम से, उसके बाद एक एक करके कवर करेंगे। एक केस होता है कि जब टाइम कांस्टेंट रहे, टी क्या है, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, और यहां होता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, और तीसरा आता है कुछ भी कांस्टेंट ना हो। आइए एक एक करके समझाता हूं बारीकता से। आपके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, गौर दीजिएगा, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया कि कोई व्यक्ति 10 मीटर की डिस्टेंस मीटर पर सेकंड से, वह 5 मीटर पर सेकंड से जाता है, 5 मीटर पर सेकंड से जाने में जितना टाइम लेता है, और 10 मीटर भी मत दो लो, और सिंपल कठिन कर दो इसे, एक व्यक्ति ए से बी की दूरी, दूरी नहीं दी, ए से बी की दूरी 5 मीटर पर सेकंड से जाने में जितना टाइम लेता है, उतनी ही टाइम में उतने ही टाइम में बी टू सी जाने में 10 मीटर पर सेकंड से लेता है, तो कार की एवरेज स्पीड बताओ या व्यक्ति की एवरेज स्पीड बताओ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो व्यक्ति की एवरेज स्पीड बताओ, तो व्यक्ति की एवरेज स्पीड बताओ। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ए से बी और बी से सी, ए से बी जाया बी से सी गया, ये स्पीड गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड और ये गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। विस्तार से करेंगे आप समझिएगा पूरा अच्छी तरीके से, तो आप इसको x1 डिस्टेंस मानेंगे और इसको x2 मानेंगे, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। बोले ऐसे आनो, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 और टोटल ट्रेवलिंग टाइम t1 प्लस t2। मान लिया यहाँ पे t1 चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे t1 निकालूंगा तो t1 हो जाएगा मेरे आप x1 अपॉन v1, ये हो जाएगा x1 ओवर 5, ये आ जाएगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं t2 निकालूंगा ये हो जाएगा x2 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब सेकेंड। अगर मैं इसको कैलकुलेशन को लगा देता हूँ तो x1 प्लस x2, t1 की जगह पे मैं लगा देता हूँ x1 डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस, और यहाँ पे जितना टाइम लेता है, अच्छा सेम समय ले रहा है, समान समय ले रहा है बेटा, समान समय है तो हमने एक मिस्टेक की है, उसको पूरा कर लीजिए, समय समान लग रहा है समय, तो समय हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट हो जाएगा। आ जाओ यहाँ गौर दीजिए, यहाँ पे क्या है x1 प्लस x2 अपॉन t प्लस t, सेम समय लग रहा है, देखो ध्यान से जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम ले रहा है, ये हो रहा है x1 प्लस x2 अपॉन 2t। x1 की वैल्यू देख लेते हैं हम, तो यहाँ से अगर t समय लग रहा है, यहाँ भी t समय लग रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं लगा लूँ 5 मीटर पर सेकेंड बराबर आ जाएगा x1 अपॉन t, तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 5t। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड देखूंगा तो आ जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहां से आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 10t। फिर इसमें आप पुट कर देंगे x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5t, x2 की वैल्यू आ जाएगी 10t अपॉन 2t।
ये आ जाएगा आपके पास 15 टी अपॉन 2 टी, टी से टी कट जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ विस्तार आइडिया, ये पूरा विस्तार से हुआ। मैं अब आपको ट्रिक से पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट, इसकी एक सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक भी है अगर आप ईमानदारी से देखना चाहें तो। गौर दीजिएगा, एक ट्रिक लगती है सीधे सीधे, ट्रिक का नाम क्या है, ट्रिक क्या है कि सब टाइम सेम लगे, टाइम समान लगे। जब समय समान लगे तो उस क्वेश्चन में बी एवरेज होता है वो होता है सीधे सीधे v1 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन 2, वही वाला फॉर्मूला लग जाता है जो अभी लगाए थे v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बाई ट्रिक तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वी एवरेज बराबर v1 कितना दिया है 5, v2 कितना दिया है 10 बटे 2, 7.5 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं देखना है, विस्तार से करने में टाइम लग रहा है। वही चीज तो मैं बता रहा था आपको, पेशेंस की जरूरत है। देखो ध्यान से कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जब समय समान हो, क्लियर हो गया। अब हम डिस्टेंस समान को देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन आया, गौर दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि एक व्यक्ति है वो ए से बी पे गया जिसकी स्पीड रही थी 5 मीटर पर सेकेंड और पुनः बी से ए पर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। और इस केस को अगर विस्तार से करोगे तो टाइम लगेगा, हम ट्रिक से डायरेक्ट मार देंगे, ट्रिक से एक सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कैसे करेंगे कि जब डिस्टेंस समान हो, जब डिस्टेंस दूरी समान हो, अगर डिस्टेंस समान है तो आपके पास वी एवरेज का जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये अच्छी तरीके से कवर करके रखिएगा, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मित्रों। वी एवरेज बराबर 2v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 5 प्लस 10 तो आपके पास वो आ जाएगा 100 बटे 15, 5 से काट दोगे तो 20 और ये 3 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट। और विस्तार से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपके दो केस कवर हैं अच्छी तरीके से, देखो ध्यान से, जब डिस्टेंस समान हो। अब आने वाले हैं जब कुछ भी समान नहीं हो तो कैसे करना है सर, देखिए ईमानदारी से एक एक करके। जब कुछ भी समान नहीं हो, हमने इसकी दो शॉर्ट ट्रिक लगा दी, इसकी एक ट्रिक लगा दी, इसकी एक सीधे सीधे ट्रिक है v1 प्लस v2 अपॉन 2, इसकी ट्रिक आ गई है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसकी और देखने वाले हैं जब कुछ भी समान नहीं हो। आइए समझाता हूँ प्रॉपरली, इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा अच्छी तरीके से। मेरे पास ये आया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया बेटा कि कोई व्यक्ति ए से बी और बी से सी, ए से बी गया और बी से सी गया, ए से बी गया 3 मीटर पर सेकेंड से और बी से सी गया 4 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ डिस्टेंस दे रखी है 6 मीटर और यहाँ डिस्टेंस दे रखी है 12 मीटर, तो वी एवरेज बताना, समझ गया आप। यहाँ पे ना तो डिस्टेंस समान दी है और स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी समान नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर ईमानदारी से विस्तार से करेंगे तो यहाँ से t1 निकालना पड़ेगा, यहाँ से t2 निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस दिया, टोटल टाइम निकाल के भाग दे के आंसर लाना पड़ेगा। आप ट्रिक से कर सकते हैं, कैपिटल एक्स ओवर वी एवरेज बराबर x1 बटे v1 प्लस x2 अपॉन v2, आप इस फॉर्मूले को लगाकर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं विद इन 1 सेकेंड में। देखिए ध्यान से, कैपिटल एक्स क्या है 6 प्लस 12, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है 6 प्लस 12, बोले तो 18 मीटर, तो 18 बटे v एवरेज बराबर x1 कितना है 6 बटे 3, x2 कितना है 12 बटे 4, इसको ये 2 प्लस 3 यानी 5,
तो आपके पास वी एवरेज आ जाएगा 18/5, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30 मीटर पर सेकेंड। लो साहब खत्म, 3.6 मीटर पर सेकेंड। बीच में ही आ रहा, देखो दोनों के हमेशा बीच में ही रहता है। इतनी अच्छी बात बताए हैं आपको, ये वी एवरेज का कंसेप्ट समझे बेटा, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है ये, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। पूरी थ्योरी एवरेज स्पीड की लेके चलें। एक मैं शॉर्ट में रिवीजन कराऊंगा अभी आपको, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है, ये बहुत नए नए केसों में लेकर इसको हम समझते हैं, बहुत स्पेशली केसों में। ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है मित्रों, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने इसकी जरूरत को फोकस किया तो निश्चित रूप से आप टाइम कम ले पाएंगे, एग्जाम में आपका टाइम बच नहीं पाएगा। इसीलिए आप ईमानदारी से एक बार फोकस कर लीजिए तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा बेटा। आ जाओ मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ एवरेज स्पीड का। यह एवरेज स्पीड की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक वाला रिवीजन। सीधे सीधे हमने इसके दो केस बनाए, गौर फरमाया आप। एवरेज स्पीड की डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको प्रॉपर। एवरेज स्पीड की डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक होती है, आप ध्यान रखेंगे। पहला केस होता है ऑब्जेक्ट खड़ा है, स्टैंडेबल है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की चाल नियत है, नियत भी है, ये दिया है। तीसरा केस होता है ऑब्जेक्ट लगातार स्पीड को बदल रहा है, ऑब्जेक्ट लगातार स्पीड को बदल रहा है। और चौथा केस होता है, ध्यान से समझिएगा, कि ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को नियत टाइम कांस्टेंट टाइम बाद बदलता है। आइए समझते हैं। ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वी एवरेज निकालना है 0। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एवरेज स्पीड भी वही, ऑब्जेक्ट लगातार स्पीड को बदल रहा है। रिवीजन करा रहे हैं, ये V1 से चल रहा है और V2 पर पहुंच गया, तो यहाँ वी एवरेज की जो वैल्यू है वो V1 + V2/2। डायरेक्टली ट्रिक। और अब आ जाता है अगला केस कि ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को नियत टाइम बाद बदल रहा है, और उसमें ये केस आता है, गौर दीजिएगा अच्छी तरीके से। पहला है कि एक ऑब्जेक्ट है वो A to B गया और B to C गया और टाइम सेम लग रहा है, TNT, इसकी स्पीड V1, इसकी स्पीड V2, टाइम सेम है दोनों में, क्या है सेम टाइम, जिस पर गोल कर दिया वो समझ जाओ सेम है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, डायरेक्ट आंसर V1 + V2/2, वेरी इजी। विद एग्जांपल समझाए हैं, कंप्लीट बैक वीडियो में देख सकते हैं। एंड आपके पास दूसरा केस है कि एक ऑब्जेक्ट A to B गया और B to C गया, लेकिन इसमें डिस्टेंस सेम है, इसमें क्या सेम है डिस्टेंस, इसकी स्पीड V1, इसकी स्पीड V2, तो यहाँ पे वी एवरेज जो लगेगा वो लग जाएगा 2V1V2/V1+V2, डायरेक्ट आंसर विद इन 1 सेकेंड। और यदि आपसे कहा गया कि ऑब्जेक्ट है वो A to B गया, B to C गया, कोई समान नहीं है, न इसमें स्पीड समान है और न इसमें डिस्टेंस न टाइम कुछ समान नहीं है, आपको वी एवरेज निकालना है, तो कैपिटल एक्स ओवर वी एवरेज बराबर X1/V1 + X2/V2। आपके पास ये तीन मेथड है दोस्तों, कभी भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन इस डायग्राम से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं है जनाब, यही होता है जो कुछ भी होता है, एवरेज स्पीड निकालने के यही नियम होते हैं। गौर देके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, प्रॉपरली रिवाइज करा दिया है कंप्लीट। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दे रखा,
हर एक चीज का एक एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कंप्लीटली अच्छी तरीके से, एक एक एग्जाम्पल को दिया है बारीकता से। ये देखिए दोस्तों, आपको इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको प्रॉपरली समझना चाहिए। ये देखेंगे आप एवरेज स्पीड यहाँ से स्टार्ट किया, एवरेज स्पीड का ये पहला पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम कहाँ से वैल्यू हो सकती है। अगली बात हमने सीखी कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर हमने सीखा कि स्पीड बदले और ना बदले, और बदले तो टाइम सेम रहे, डिस्टेंस सेम रहे और कोई भी सेम ना रहे। एक व्यक्ति ए से बी तक 5 मीटर पर सेकेंड से, इसमें टाइम सेम है तो डायरेक्ट आंसर, अगर डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट आंसर, और यदि कुछ भी सेम नहीं है तो डायरेक्ट आंसर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है बेटा, ये होता है एवरेज स्पीड को प्रॉपरली समझना अच्छी तरीके से। एक नोट पॉइंट और है आपके लिए, वो इसी समझा देता हूँ, आ जाइए। नोट पॉइंट और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड खत्म हो चुका है उसके बाद। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, इसमें बोलते हैं वी मिडल वेलोसिटी MID, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मिडल वेलोसिटी बताइए। मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए से बी पर गया और बिल्कुल मध्य में है सी, बिल्कुल मध्य में है, और यहाँ की स्पीड दे रखी है V1 और यहाँ की स्पीड दे रखी है V2, तो बिल्कुल मिडल की वेलोसिटी पूछी जाती है। मिडल वेलोसिटी पूछी जाती है मध्य में वेलोसिटी या स्पीड पूछी जाती है। तो याद रखिएगा वी मिडल निकालने का एक सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक होता है, आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, रूट के अंदर V1 square plus V2 square upon 2। इस बात को अच्छी तरीके से भली भांति समझ के रखिएगा, डायरेक्टली याद करना है मिडल वेलोसिटी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ, इंडियन एयरफोर्स 2019। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया 21 मार्च को 21 मार्च को क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है आप समझिएगा, क्वेश्चन आता है कि 5 मीटर पर सेकेंड से चलती कार ब्रेक लगाने पर कुछ टाइम बाद रुक गई, कुछ टाइम बाद रुक गई तो कार के पूर्ण रास्ते में मिडल पॉइंट पर कार की स्पीड क्या रही होगी। इफ कार ट्रेवलिंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द एंड आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी या फिर रेस्टेबल वेलोसिटी 0, देन फाइंड द स्पीड ऑफ कार एट मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट पर अगर स्पीड निकालनी है कार की तो डायरेक्टली आप ट्रिक लगाए वी मिडल बराबर V1 square plus V2 square upon 2। डायरेक्ट आंसर V1 square यानी 5 का स्क्वायर, V2 square 0 का स्क्वायर upon 2, और दिस इज ए 25/2। नाउ 5/√2, देन नाउ 5√2 upon 2 मीटर पर सेकेंड। ये था दोस्तों करेक्ट आंसर। इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मिडल वेलोसिटी वाली, इसीलिए आपको ये एक्स्ट्रा चीज समझाए हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, परपेंडिकुलर मोशन। परपेंडिकुलर मोशन में जाने से पहले आपको एक चीज और समझनी चाहिए जो हमारे पास दे रखी है, रिलेटिव मोशन। एक ये है और एक है आपका परपेंडिकुलर मोशन। परपेंडिकुलर मोशन और रिलेटिव मोशन एक दूसरे के सपोर्टेड होते हैं, इन दोनों को बहुत बारीकता से समझना है। वैसे हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर परपेंडिकुलर मोशन क्या होता है, तो आइए मैं समझाता हूँ परपेंडिकुलर मोशन क्या है। गौर दीजिएगा अच्छी तरीके से कि यदि मैंने कोई भी व्यक्ति है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें या नीचे की ओर फेंकें, इसे परपेंडिकुलर मोशन कहते हैं।
अगर हम किसी वस्तु को आगे की ओर फेंक रहे हैं या ऐसे फेंक रहे हैं तो इसे लीनियर मोशन कहते हैं। ये रेखीय गति होती है, लीनियर मोशन होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर मोशन, अविलंबित गति। ये वन डायमेंशनल मोशन के दो भैया होते हैं। अब हम इसे पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर मोशन को। इसमें वेलोसिटी इनिशियल वी रहती है, फाइनल इनिशियल यू रहती है, फाइनल बी रहती है, एक्सेलेरेशन ए रहता है, ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन इसमें जो रहती है वो इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, बट एक्सेलेरेशन की जगह चेंज हो जाता है, वो आ जाता है जी, ग्रेविटी। अच्छी तरीके से समझो प्रॉपर। इसमें अगर हम बात करें गति के समीकरणों के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट जो आता है वो आता है वी बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड जो आता है वो आता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड जो आता है वो आता है वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ठीक है मित्रों, लेकिन इसमें जो गति के समीकरण होते हैं वो दो आ जाते हैं, दो कैटेगरी में। जैसे कि वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़े तो प्लस का जी यूज करना है एक्सेलेरेशन की जगह, और नीचे से ऊपर छोड़े तो इसमें माइनस का जी यूज करना है एक्सेलेरेशन की जगह। गौर दीजिएगा, अगर इसमें फर्स्ट समीकरण देखें तो इसमें वी बराबर यू प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन देखें तो एस की जगह पर यहाँ एच आ जाएगा, हाइट है ना वो, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और तीसरी कंडीशन देखें तो यहाँ पे वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस टू जी एच। अगर हम इसकी फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो वी बराबर यू माइनस सी टी ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो दूसरी कंडीशन एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और तीसरी कंडीशन वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच, ये कंडीशन रहती है दोस्तों। तो इसमें हम पढ़ने वाले परपेंडिकुलर मोशन में, ये एक आपको सिर्फ समझाया गया है कि ऐसा कुछ मोशन में होता है। हम परपेंडिकुलर मोशन में इन सब फॉर्मूलाओं का यूज नहीं करते, हम बिना फॉर्मूले के काम कर लेते हैं परपेंडिकुलर मोशन में विदाउट फॉर्मूलों के। बट फॉर्मूलों को याद इसलिए रखना है क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। पहला यही क्वेश्चन आ चुका है कई बार, फर्स्ट यही क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि आपसे ये पूछा जाता है कि यदि ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकें तो एक्सेलेरेशन बताओ, ये आता है क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन आते हैं, एग्जांपल है, ऑप्शन आते हैं जी माइनस सी प्लस माइनस सी या नन ऑफ दिस। तो ऊपर की ओर फेंकते समय एक्सेलेरेशन क्या लेते हैं, माइनस सी। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ के रखिए। मेरे से ये क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी एक बार परवली समझा देता हूँ कि कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर खड़ा है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकता है। एक ये केस आता है, दूसरा केस आता है एक व्यक्ति है पृथ्वी से कुछ हाइट पर खड़ा है वो बॉल को छोड़ रहा है, और तीसरा केस आता है एक व्यक्ति है जो पृथ्वी से कुछ हाइट पर खड़ा है और बॉल को परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फेंक रहा है। इन तीन केसों से अलावा चौथा केस बनता नहीं है। अगर आप उसे ऐसे फेंकेंगे किसी एंगल पर तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D में पहुंच जाएगा, हम पढ़ रहे हैं 1D केवल। पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति ऊपर फेंके, पृथ्वी से कुछ हाइट पर खड़ा व्यक्ति छोड़े, या पृथ्वी से कुछ हाइट पर खड़ा व्यक्ति ऊपर फेंके, इन केसों में से कोई सभी केस आपके लिए पूछा जा सकता है। आइए मैं समझाता हूं आपको बारीकता से, एक एक चीज को थोड़ा फोकस करके ले लीजिएगा। पहला पॉइंट तो यह है कि आपके लिए अगर मैं बात करूं कि गति के समीकरण है, मैं शॉर्ट ट्रेक क्यों करा रहा हूं उसका कारण समझा देता हूं। क्यों, आपके पास तीन है, एक तो है वी बराबर यू प्लस सी टी, एक है आपके पास एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और एक है आपके पास वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस टू जी एच। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमको कभी ये पता ही नहीं चलता है कि इन तीनों समीकरणों में से कौन सा समीकरण कब यूज करना है। इस वजह से मैं चाहता हूं आपके लिए कि आप इन तीनों में से कोई यूज ना करें,
इन तीनों में से कोई भी यूज ना करें, ये चाहता हूं मैं। आप तीनों में से कोई भी यूज ना करें, हम ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक से काम करेंगे। जिनको इनसे बनाया गया है, जिनको इन्हीं से बनाया गया है, बट उसमें न तो साइन का कोई रोल है, न चिन्हों का, कि प्लस जी लेना है कि माइनस ही, और ना ये पता होना है कि कब कौन सा लगाना है। क्योंकि इस तीनों में बड़े प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, आइए। मैंने आपके लिए परपेंडिकुलर मोशन के तीन कंडीशन ली, गौर फरमाइएगा अच्छी तरीके से, फोकस करिएगा। ये तीन कंडीशन ही है कि केस नंबर वन, कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है और बॉल को ऊपर फेंक रहा है। केस नंबर टू, कि पृथ्वी से एच हाइट पर कोई व्यक्ति खड़ा है और बॉल को छोड़ रहा है। और केस नंबर थ्री, कि पृथ्वी से कुछ हाइट पर कोई व्यक्ति खड़ा है और बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। ये आपके पास तीन केस हैं दोस्तों। इन तीनों केसों में क्या क्या दिया जाएगा, ट्रिक उसे कहते हैं, जितना दिया जाए उतना यूज करके डायरेक्ट आंसर आ जाए। आइए समझते हैं। मेरे पास ये है कि सबसे पहले मुझे इसमें दिया जाएगी वेलोसिटी, और मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला कि मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, दूसरा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ऊपर तक जाने में, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कैपिटल टी, कि बॉल ऊपर से जाकर पुनः हाथों तक वापस आने में कितना टाइम लेगी। ये आपके लिए मित्रों तीन क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको समझा देता हूं, गौर दीजिएगा अच्छी तरीके से। यदि आपने पहला केस पूछा, पहले केस की पहचान ही यही है कि पृथ्वी पर खड़ा होना चाहिए व्यक्ति, या आपने पूछा हाइट बताओ, तो डायरेक्ट आंसर वी स्क्वायर अपॉन टू जी, और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा और इस क्वेश्चन में ये वेलोसिटी दी होगी आपको, समझ गए आप, सीधा वी स्क्वायर अपॉन टू जी। दूसरा केस, ऊपर तक पहुंचने में टाइम वी अपॉन जी, और तीसरा केस, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो डबल हो जाएगा ये। तीसरा केस कैपिटल टी, तो वो हो जाएगा टू बी अपॉन जी। तो आपके पास ये तीनों शॉर्ट ट्रिकें कवर हैं अच्छी तरीके से, प्रॉपर विद एग्जांपल बताएंगे, टेंशन ना लें आप। ठीक है, अच्छी तरीके से कवर करें, विद एग्जांपल आपको बताया जाएगा एक एक चीज कवर करके। मैंने आपके लिए दूसरा केस देखा, इस केस में केवल मुझे एच दिया जाएगा और कुछ नहीं, और पूछा जा सकता है कि जब बॉल पृथ्वी से टकरा रही होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी और नीचे तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं परपेंडिकुलर के, तीन इसमें, दो इसमें, एक इसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आप कहें मेडल वेलोसिटी वहां पढ़ा दिया, ठीक है, अगर आपसे वेलोसिटी पूछी है तो अंडर रूट 2h अपॉन जी, डायरेक्ट आंसर h आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और यदि आपसे टाइम पूछा है तो अंडर रूट, एक सेकेंड उल्टा पलट दिए, अगर आपसे टाइम पूछा गया है तो अंडर रूट 2h अपॉन जी, और यदि आपसे वेलोसिटी पूछी गई है तो अंडर रूट 2gh। आप अच्छी तरीके से ये दोनों शॉर्ट ट्रिक कवर करके रखिएगा। आइए मैं पहले इन 5 क्वेश्चनों को करा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5, एक एक करके गौर दीजिएगा। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया, 4.9 मीटर की हाइट पर खड़ा व्यक्ति, गौर दीजिएगा आपको इस चीज को देखकर क्या लगता है, केस नंबर दूसरे में पहुंच गया है, दूसरे या तीसरे में, क्योंकि हाइट पर खड़ा व्यक्ति तो वही होता है, फर्स्ट केस होता है पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति, माइंड में सेट कर लीजिए कि 4.9 मीटर की हाइट पर खड़ा व्यक्ति जब किसी बॉल को छोड़ता है,
क्वेश्चन नंबर पहला, बॉल पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लेगी, बॉल पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लेगी। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कि बॉल पृथ्वी से जब टकराएगी तो पृथ्वी से अगर टकरा रही हो तो वेलोसिटी होगा, वेग होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, बॉल पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लेगी टी बराबर अंडर रूट टू एच अपॉन जी। अंडर रूट टू एच कितना दे रखा है आपके पास, 4.9 अपॉन जी 9.8। तो ये आ जाएगा आपके पास, वन सेकेंड, बॉल पृथ्वी से जब टकराएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच, टू जी 9.8, एच की वैल्यू है 4.9, ये दोनों 9.8 हो जाएंगे तो ये 9.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9.8%। मजेदार क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये दूसरे केस के क्वेश्चन हो गए। मेरे पास एक और क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति जब किसी बॉल को दो मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकता है तो, क्वेश्चन नंबर पहला, बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगेगा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा, बॉल पुनः हाथों में आने में टाइम लेगी, ये आपके पास तीन क्वेश्चन पूछे गए। आइए समझते हैं दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है, बॉल कितनी हाइट तक जाएगी। बॉल हाइट जाने का सीधा सीधा फंडा है, एच बराबर बी स्क्वायर अपॉन टू जी। डायरेक्टली ट्रिक लगा दिया, बी स्क्वायर अपॉन टू जी, वी कितना दिया है, दो, दो का स्क्वायर अपॉन टू जी, तो ये चार बटे जी का मान 9.8 ले लो या 10 ले लो, 20 ले लेते, तो आ जाएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर, डायरेक्ट बी स्क्वायर अपॉन टू जी, कोई डाउट। उसी प्रकार मेरे पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला है वी अपॉन जी, डायरेक्ट ट्रिक बना रखी, वी दिया है 2, जी दिया है 10, तो आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। दूसरा है कि टोटल टाइम ऊपर से नीचे तक ऐसे आने में, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2v/g, और 2v कितना दे रखा है, 2, जी दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा 0.4 सेकेंड। तो ये हमने पांचों क्वेश्चन कवर कर लिए उस कंसेप्ट के जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया था। ये रहा, एक तीन क्वेश्चन इसके हो गए, दो क्वेश्चन इसके हो गए। अब आ जाते हैं हम तीसरे केस पर कि पृथ्वी से कुछ हाइट पर खड़ा व्यक्ति h देगा क्वेश्चन में, u वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है, तो मुझसे क्या क्या पूछ सकता है। नंबर एक, बॉल मैक्सिमम हाइट कितना लेगी, तो वो पहला केस है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, वो भी पहला केस है। मैक्सिमम हाइट से पहुंचकर पुनः हाथों तक आने में कितना टाइम लेगी, वो भी पहला केस है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है,
इसीलिए इसको बनाया गया है कि पॉल ऊपर जाकर पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम कितना लेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है। आइए इस चीज को समझते हैं, तो डायरेक्ट आप ट्रिक लगा दीजिएगा कि टी बराबर वी प्लस यू अपॉन जी। जी है बेटा, ये दो मत कर देना, एवरेज पढ़ा था आपने, उस हिसाब से कर देंगे। यहाँ पे आपको यू पता है, जी पता है, बस वी नहीं पता है, तो वी को आप बाई ट्रिक संभाल लेंगे, ये आ जाएगा वी। जो वी आ जाएगा वो अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। और मित्रों ये ट्रिक है, मानते हैं ये फॉर्मूला भी सुना होगा, लेकिन ये ऊपर फेंक रहा है, कहीं आप ये कहें कि प्लस का लें कि माइनस का लें, कुछ नहीं, जो कहा है वो करना है बस आपको। ये आपके पास वी की वैल्यू है, इसको लगाते ही आंसर आ जाएगा, रखिए तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आ जाओ और दे लीजिएगा। इसका मैंने एक एग्जाम्पल कराया कि 10 मीटर की हाइट पर खड़ा व्यक्ति जब किसी बॉल को मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकता है, तो बॉल पृथ्वी तक जाने में कितना टाइम लेगी। मजेदार क्वेश्चन ये क्वेश्चन। अगर हमारे पास ये हाइट दे रखी है 10 मीटर, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और बॉल को ऊपर फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकंड, बॉल खटखट करके ऊपर गई और पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगी। डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे हम आपसे जो पढ़ाई मैंने, टी बराबर वी प्लस यू अपॉन जी। यहाँ वी का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2g 10 और h भी 10 है, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 5, तो 225 225 15 का स्क्वायर होता है, तो मेरे पास ये v आ जाएगा 15 और u मेरे को दे रखा है 5 बटे g 10, तो मेरे पास आ जाएगा 2 सेकेंड। 15 और 5 20 बटे 10, 2 सेकेंड डायरेक्ट आंसर, कोई टेंशन नहीं। इस तरीके से आप परपेंडिकुलर मोशन के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? एक एक चीज को बारीकता से समझाएं आपको, वन बाय वन, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, गौर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, एक तो पढ़ाया जाएगा रिलेटिव मोशन, ठीक है दोस्तों, और एक पढ़ाया जाएगा बेटा आपको ट्रेवल डिस्टेंस विद एंथ सेकेंड, एनवी सेकेंड में चली गई। तब तक के लिए सहन।